Hello everyone, this is Zainab, a summer intern at the Lexis & Company. So in today's video, we will discuss about the fundamental rights and fundamental duties. Well, हर कोई आप लोग भी सोचते होंगे कि हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सिबल क्यों नहीं रखा, लोग राइट्स क्यों डिमांड करते रहते हैं। वेल, सेम कहना था हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी का कि लोग हमेशा राइट्स डिमांड करते रहते हैं, जब बात आती है ड्यूटीज़ की तो कोई परफॉर्म ही नहीं करता है। वेल, जिसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे थे उस टाइम पर हम लोग सोवियत के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे उस टाइम पर, तो इस वजह से हम नीड लगी। सो बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो इसके लिए बहुत ही एक फेमस कमेटी भी बिठाई गई थी इंक्लूड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट, आगे क्या बना। वेल, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में डिफरेंसेस। ओके, सो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर जाएंगे। वन थ्योरी इज़ हॉफिल्स थ्योरी ऑफ ज्यूरियल रिलेशंस, जिसमें ये कहा गया है कि एवरी राइट हैज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी। ओके, जब तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप अपनी एक ड्यूटी परफॉर्म करोगे तभी आपको अपना राइट मिलेगा। अगर आप अपने स्टेट की तरफ, अपनी कंट्री की तरफ एक ड्यूटी परफॉर्म करोगे, एक काम करोगे, तभी तो आपके राइट्स इन्फोर्सेबल होंगे, अदरवाइज क्यों। स्टेट भी बोलेगी कि जब आप कर ही नहीं रहे तो हम अपनी तरफ से क्यों करें। लाइक टेक एन एग्जाम्पल कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 वेल ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स, मेरे पास राइट टू मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, ये मेरा राइट है। लेकिन इससे साथ साथ एक मेरी ड्यूटी भी है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास ना करूँ, या मैं कोई क्राइम ना करूँ, मैं कुछ ना करूँ। मेरे पास राइट है लेकिन मुझे अपनी ड्यूटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आगे स्टेप्स लेने हैं। ओके, एंड द सेकेंड इज़ वी समटाइम्स वी कन्फ्यूज राइट्स विद प्रिविलेजेस। इसमें मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि जो राइट्स होते हैं वो हमारे एब्सोल्यूट नहीं हैं, लेकिन जो हमारे प्रिविलेजेस हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं। ओके, क्योंकि जैसे कि आर्टिकल 19 देखते हैं, स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंडर मैं अपना राइट कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखे कि हाँ मुझे ये नहीं करने, कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी है या कोई भी ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं करनी है सोशल मीडिया पर, तो ये मेरा एक राइट है, मेरा प्रिविलेज नहीं है, मैं उसको एब्सोल्यूट है, वो हटाया जा सकता है। ओके, तो नाउ विल डिस्कस व्हाट आर राइट्स बेसिकली। सो हमें हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए राइट्स ही इंक्लूड करने पड़े, बिकॉज बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी उस टाइम पे। सो राइट्स आई विल राइट इज़ एन इंटरेस्ट विच इज़ प्रोटेक्टेड एंड रिकग्नाइज बाय द रूल ऑफ लॉ। ओके, सो रूल ऑफ लॉ में भी लाइक वी हैव थ्री प्रिंसिपल्स, तो इसको रिकग्नाइज किया जाता है, इक्वालिटी, राइट्स, तो इनइक्वालिटी को अंडरमाइन करने के लिए, एंड द राइट एज बुलवर्क अगेंस्ट इनइक्वालिटी, इट गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच। ओके, एंड फंडामेंटल राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। वेल, राइट प्रमोट्स इंडिविजुअलिज्म, ऐसा ही कहना था डॉक्टर बी आर राव अम्बेडकर का कि अगर हमें इंडिविजुअलिज्म लाना है तो हमें अपने सिटीजन्स को राइट्स देने पड़ेंगे, बिकॉज ड्यूटी बाउंड होकर कोई अपना काम नहीं करेगा, हमें उन्हें राइट्स देने पड़ेंगे, तभी वो अपने राइट्स को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। सो सिर्फ एक ही कंसेप्ट था जिस वजह से राइट्स आए थे, दैट वाज टू प्रमोट इंडिविजुअलिज्म बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ अवर कंट्री बेसिकली। ओके, सो देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं। फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, कि हर कोई इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द कंडीशंस टेकिंग इन टू द माइंड, एंड राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स, एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्रोवाइड की गई हैं। सो गाइस, राइट्स हमारे इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं बेसिकली। हमारे पास राइट्स हैं बट उनको देखते हुए हमें ये नहीं करना कि हम अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करनी है, हमें अपनी ड्यूटीज़ भी साइड बाय साइड उनके साथ परफॉर्म करनी है। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द ड्यूटीज। थैंक यू।